हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इन दिनों घर पर रहकर अपनी बैटिंग में सुधार कैसे करें, और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो देखा वो हमने ये देखा कि हैंगिंग बॉल के साथ हम फ्रंट फुट डिफेंस की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हैंगिंग बॉल के साथ घर पर रहकर हमें बिना एकेडमी जाए हैंगिंग बॉल के साथ बैकफुट डिफेंस की ड्रिल कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो जो हमने फ्रंट फुट डिफेंस के लिए जो किया था हमने कि फ्रंट फुट डिफेंस का जो बॉल रहता है वो गुड लेंथ से हमारे नी हाइट तक आता है, और आज जैसे कि हम बैकफुट डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जो बैकफुट डिफेंस रहता है ये हमें जो करना रहता है ये हमारे को वेस्ट हाई से ऊपर और चेस्ट के नीचे हम के बीच के बॉल को हमें करना होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। वो एडजस्टमेंट ये है कि जो मैंने अपने द्वारा हैंगिंग बॉल बनाया था, जैसे कि आप वो पिछले वीडियो में देख सकते हैं मेरे कि वो हैंगिंग बॉल मैंने कैसे बनाया है, तो अब इस हैंगिंग बॉल को मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है कि इस बॉल पे अब मैंने थोड़ा सा, जैसे कि मेरे पास स्पेस था तो मैंने थोड़े से एक दो इसको गांठ मार के, यानी इसको एडजस्ट करके, या रस्सी ऊपर से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि इसको मैंने क्या किया है कि अब ये जो बॉल का जो हाइट है ये जब मेरे तक पहुंच रहा है, जब ये मेरे तक पहुंच रहा है तो ये मेरी वेस्ट हाई के ऊपर है। आप देख पा रहे होंगे कि जब ये बॉल दूर जा रहा है और आ रहा है तो मेरे वेस्ट के ऊपर आ रहा है। तो ये तो मैंने अब अपना जो बैकफुट डिफेंस की जो लाइन लेंथ है वो एडजस्ट की है। तो अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं अब आगे जाके कि बैकफुट डिफेंस करते समय हमें किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं, ऐसी पोजीशंस हैं, या हमें बैकफुट डिफेंस कैसे करना है, वो हम आगे चल के अभी डेमो के थ्रू हम देखेंगे, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बैकफुट डिफेंस हमें कैसे करना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं आपकी बैकफुट डिफेंस हमें किस टेक्निक के साथ करना है हैंगिंग बॉल के साथ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किन बातों का ध्यान रखता हूं जब मैं हैंगिंग बॉल के साथ बैकफुट डिफेंस करता हूं। आइए मैं आपको ये डेमोंस्ट्रेट थोड़ा सा करके दिखाता हूं। अब जैसे कि मैं अब सबसे पहले तो मैं अपने स्टांस पे खड़ा हूं। अब ये मेरा जो स्टांस है ये ऑलमोस्ट मेरा एक कंफर्टेबल स्टांस आ गया है, और मेरा हेड पोजीशन, मेरी बॉडी एकदम पोजीशन में है, मेरा बैट क्लोज है बॉडी के। अब जब भी मुझे बैकफुट डिफेंस करना है और मुझे पता है कि बॉल एक शॉर्ट पिच या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे बॉल गिरा है, तो मुझे उस बॉल को फॉलो करना है, और मैं उस बॉल को अगर खेलूंगा तो मेरे को जगह से ही नहीं खेलना, क्योंकि अगर मैं जगह से उस बॉल को खेलने जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मुझे बॉल पे मुझे पता है कि बॉल हमारे ऑफ स्टंप पे गिरा है या चौथे स्टंप पे गिरा है या मिडल स्टंप पे गिर के मेरी तरफ, मेरी बॉडी की तरफ आ रहा है, तो मुझे क्या करना है उस बॉल को, मुझे सबसे पहले तो जो मेरा बैकफुट है उस बैकफुट को मेरे को पीछे लेके जाना होगा ऑफ स्टंप की लाइन पे, यानी ऑफ स्टंप की तरफ मेरे को बॉल की ऑफ स्टंप की तरफ मेरे को पैर लेके जाना है। बॉडी मेरी पूरी तरीके से साइड ऑन है, मेरा हेड बॉल के ऊपर स्टिल है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉल आ रहा है, ये बॉल लटका हुआ है जो, ये ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप की तरफ है। अब आप देखो कि मैं इसके पीछे अपनी बॉडी को लेके जा चुका हूँ, और जब मेरी नजर जो है बॉल के ऊपर है, और जब मैं इस बॉल को खेलूंगा तो मैं अपने वेट को पीछे लेके जाऊंगा, और बैट जो मेरा है बिल्कुल सीधा वर्टिकली नीचे की तरफ आएगा बॉडी के क्लोज। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइम पे जो बॉल का पोजीशन है वो मेरे बैट के बीचों बीच आ रहा है, और बैट के पीछे, बैट के हैंडल के पीछे ही मेरा हेड है, मेरा टॉप हैंड जो है वो एकदम से फर्म है, मेरी बॉडी साइड ऑन है, प्रॉपर मेरी बॉडी साइड ऑन आ रखी है, मेरा बॉटम हैंड रिलैक्स है, मेरा एल्बो हाई है, और उससे बड़ी बात जो और मेन चीज आप देख रहे होंगे कि जो मेरा बॉडी का पूरा बैलेंस है वो मेरे पिछले पैर पे स्टेबल है, यानी मैं पिछले पैर के वेट पे खड़ा हूँ, मेरा पूरा बॉडी का जो वेट है मेरे बॉल्स ऑफ फीट पे है, यानी मेरे पंजे के ऊपर मेरा बॉडी का पूरा वेट है, और मेरी हील, पीछे पैर की हील जो मेरी है वो हवा में है। अब आप देखो कि ये परफेक्ट पोजीशन में मैं खेल रहा हूँ, मेरा हेड स्टेबल, बॉडी स्टेबल है, और इसमें जो मेरा जो फ्रंट फुट है वो फ्रंट फुट कैसा है मेरा, जस्ट मेरे को सपोर्ट किया हुआ, उसने एक बैलेंस दिया हुआ है मेरे को फ्रंट फुट ने, यानी ये ऐसा नहीं है कि मेरा हील टच है या मेरा बॉडी वेट पीछे है, मैं एकदम से बॉल के ऊपर खड़ा हूँ, और जो मेरा हेड पोजीशन है वो अगर मेरा जो पिछले पैर से पीछे नहीं रहना चाहिए, पीछे वाले पैर के थोड़ा सा सामने रहना चाहिए, जिससे कि मेरा जो बॉडी का वेट है वो थोड़ा सामने रहेगा। और अब और सबसे बड़ी बात जो है, हमें ये तो जो मैंने आपको पोजीशन बताया, इस पोजीशन में मैंने आपको बताया है कि मेरी बॉडी पूरी साइड ऑन है, हमें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी बॉडी
बैकफुट डिफेंस के टाइम साइड ऑन रहनी जरूरी क्यों है? आपने देखा होगा कि हमारा जो स्पोर्टिंग गियर रहता है, जो हमारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसकी जो जितनी भी प्रोटेक्शन रहती है हमारी साइड ऑन के हिसाब से ही रहती है। हमारा चेस्ट पैड, हमारा थाई, हमारा बैटिंग पैड, ये सब साइड ऑन की प्रोटेक्शन के लिए रहता है। जबकि चेस्ट ओपन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि साइड ऑन अगर हमारे को प्रोटेक्शन है, तो हमें ये बात का ध्यान देना है कि अगर हमारे को प्रोटेक्शन साइड ऑन की दी गई है तो हमें ओपन नहीं होना है। तो अमूमन जनरली जो बैट्समैन गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो जब भी बैकफुट का उनको बॉल आता है वो खड़े रहते हैं, वो घबरा के अपनी बॉडी को ओपन कर लेते हैं। जब वो अपनी बॉडी को ओपन करते हैं तो उससे उनको सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, एक तो जो उनकी प्रोटेक्शन का एरिया कम पड़ जाता है, दूसरे उनके शॉट्स ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर पोजीशन नहीं रहता, और इससे ना उनका पुल एडजस्ट होगा ना कट एडजस्ट होगा। इसलिए हैंगिंग बॉल करते समय हमें इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारा बॉडी टोटल साइड ऑन रहे, ताकि अगर हम थोड़ा सा बीट भी हो गए या बॉल की लाइन हमारे को गलत जज हो गई तो हमारे चेस्ट पे, यानी जो हमारी रिब्स है या चेस्ट है या थाई पैड या चेस्ट पैड है, उस पे लगे बॉल। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो कमियां आती हैं बैट्समैन बैटिंग करते समय, कि जब वो बैकफुट डिफेंस करते हैं तो वो क्या करते हैं, जनरली वो बैट को दूर रखते हैं, यानी फोर स्टंप के पास, उनकी बॉडी पीछे नहीं रहती, बैट थोड़ा सा अवे रहता है, जिससे क्या होता है कि उनका बॉल एज लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं या फिर वो अंदर से बीट हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि जब भी हमने बैकफुट डिफेंस करना है, हमने कोशिश करनी है कि हमारी बॉडी पीछे रहनी चाहिए, बैक के पीछे रहनी चाहिए, ताकि अगर बॉल कट भी गया तो हम बैक हटा सकें और बॉल पीछे चला जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा ये ग्रिप रहता है, जब हमारा बैक अवे रहता है तो हम बैक का फेस खोल देते हैं, क्योंकि और उससे क्या चांसेस रहते हैं, जैसे स्लिप लगे हैं, गली लगी है, तो ऐसे लग के बॉल बाहर जाने के, स्लिप में जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए जब भी हम हैंगिंग बॉल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैंगिंग बॉल से प्रैक्टिस करने का हमें क्या बेनिफिट है कि इसमें हमें पता है कि हमने एक बॉल लटका रखा है, और जब हम बॉल को पुश करते हैं तो बॉल प्रॉपर आता है हमारी तरफ। अब देखो आप, जैसे कि मैं ये डिफेंस किया, मैंने मेरा एक प्रॉपर पोजिशन बना है, अब हैंगिंग बॉल से जो बॉल आ रहा है एकदम एक्चुअल जैसे बॉलर का बॉल आता है, उसी वे से ये हैंगिंग बॉल मेरी तरफ आ रहा है। तो आइए हम अब डेमो के सारे देखते हैं कि डेमो में बैट्समैन हमें कैसे करके दिखाता है, फिर हम उसकी जो मिस्टेक है वो पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास बैट्समैन रेडी है, और जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि बैट्समैन का एक प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए, हेड पोजीशन होना चाहिए। अभी तक जैसे मुझे लग रहा है कि बैट्समैन जो अपने नेचुरल स्टांस में जो खड़ा है, बैट्समैन अभी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ा है। आइए अब हम देखते हैं कि ये बैट्समैन हैंगिंग बॉल के साथ कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, और क्या चीज़ उसमें, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसकी मिस्टेक्स आ रही हैं, वो हम पॉइंट आउट करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। चलो अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बैट्समैन ने इस टाइम पे जो ये बॉल खेल रहा है, जो ये बैटिंग कर रहा है इस टाइम पर, आप देख रहे होंगे कि उसने जो है ऑफ स्टंप कवर कर रखा है, बॉल की लाइन पे उसका बैट है, बैट बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट है नीचे की तरफ, ताकि बॉल गिरे और ये बॉल नीचे गिरे, और बैट्समैन का जो एल्बो है वो उस टाइम उसका हाई है, टॉप हैंड जो है इसने फर्म कर रखा है, बॉटम हैंड इसका रिलैक्स है, बॉडी इस टाइम पे साइड ऑन है, फ्रंट फुट जो है उसका एकदम से सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है, जो उसकी बॉडी को बैलेंस दे रहा है, पीछे वाला पैर जो है उसका बहुत सॉफ्ट फीट पर है, और इस टाइम पे बैट्समैन जो है कंफर्टेबल पोजीशन में यानी खेल रहा है, जो हमने इसको पीछे बताया था। तो अगर आपको भी कोई पॉइंट आउट, आपको भी अगर जैसे बैटिंग करते समय ये बातों का अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो आपकी जो हैंगिंग बॉल के साथ प्रैक्टिस है वो एक नेक्स्ट लेवल में जा सकती है। और बस इस बात का आपने ध्यान देना है कि आपका जो बॉडी है वो साइड ऑन रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका, जब तक आपका बॉडी साइड ऑन नहीं है तब तक आपको खेलने में डिफिकल्टीज आती ही रहेंगी। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से घर पर रहकर ये
जो भी आप कर रहे हो आप अच्छे तरीके से स्किल को समझ के, बेसिक को समझ के प्रैक्टिस कीजिए, और जितने हो सके 200 300 400 बॉल आप रेगुलर खेलिए, जिससे आपकी बॉलिंग, जिससे आपकी जो बैटिंग है, बैटिंग आपकी उसी रिदम में आगे बढ़ती रहे। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप डेली घर पर इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या अगर कोई पॉइंट छूट गया है मेरे से, तो आप वो मुझसे क्वेश्चन के कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है।